जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम द एम पब्लिकेशन का रिमाइंडर सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और उसका चल रहा है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये लास्ट पार्ट होगा, मीन्स विश्व का इतिहास। एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, या तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा या इसका दो पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो बनने के बाद जो आपका द एम पब्लिकेशन का जितना भी था हिस्ट्री का, सारा का कंपाइलेशन वीडियो हिस्ट्री का मास्टर वीडियो नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप वो देखना नहीं भूलना, उससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ ही आपका लुसेंट का जितना भी है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री जो भी है, सबका मास्टर वीडियो उपलब्ध है, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न पहला है आपका, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? इटली से। पुनर्जागरण का केंद्र था इटली का पोलेरस नगर। इटली का पोलेरस नगर को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद, या मानवतावाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है। प्रिंस की रचनाकार कौन थे? प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मोकियावेली। मोकियावेली। पुनर्जागरण का वैदिक अर्थ क्या है? आंदोलन। आंदोलन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने सिद्ध किया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को, या द मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के पाथ पर चलते थे। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? वॉस्टन की चाय पार्टी। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, वॉस्टन की चाय पार्टी का संबंध किससे है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे अस्थाई बंदोबस्ती का पिता भी कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? 4 जुलाई 1946 को। 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम से वहाँ के कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी का नाम पड़ा। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 में। 1808। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस के कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी, या सामंत प्रथा भी कहा जाता है। फ्रांस के राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई? लुई सोलहवा के टाइम में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और ब्रदरहुड, मीन्स बंधुता। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन दार्शनिकों का योगदान था? वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस को किसके द्वारा विकसित हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ था? जून 1815 को। जून 1815। वाटरलू का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर। इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो 1860। 1860। इटली का एकाकरण किसने किया? कॉन्ट काबूर ने। कॉन्ट काबूर ने इटली का एकीकरण किया। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? यह किया गया था गोरवाल्डी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया? गैरवाल्डी ने किया था। सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था? जर्मनी का था। जर्मनी का। प्रशा के शासक विलियम प्रथम
का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है? बिस्मार्क को। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, आसान सा प्रश्न है जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ये निवासी थे जर्मनी का। जर्मनी का। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किनके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। जार। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रटस्की ने। ट्रटस्की ने। बल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। बल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। या लेनिन किसका नेता था? तो बल्शेविक दल का। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया? 1924 में। 1924। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। स्टालिन को। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोरकी की। मैक्सिम गोरकी की। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति मीन्स रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? जेम्स द्वितीय के टाइम में। जेम्स द्वितीय। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय मीन्स 7 वर्षों तक लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड। सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? सराजेवो हत्याकांड। सराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देश। इंपोर्टेंट है। खत्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। धूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। 4 वर्षों तक चला था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919। किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी? जर्मनी को। जो धूरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, उसको सबसे अधिक हानि हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? लीग ऑफ नेशन या मीन्स राष्ट्र संघ की। चीन की क्रांति कब हुई? 1911 में। चीन की क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन यात सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन यात सेन। चीन में बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? चे हेंगतिंग। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ त्से तुंग। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। हालांकि यहाँ पे थोड़ा गलत है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्की को। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तुर्की कब गणतंत्र बना? 23 अक्टूबर 1923 को। तुर्की कब गणतंत्र बना? 23 अक्टूबर 1923। तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की कब धर्मनिरपेक्ष राज्य बना? 1924 में। 1924। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? इटली में। इटली में फासिज्म का उदय हुआ। फासिज्म का जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। मुसोलिनी। फासी दल के स्वयंसेवक किस तरह के पोशाक पहनते थे? काली कमीज वाली। काली कमीज। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी। नाजीवाद का जनक कहा जाता है हिटलर को। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना कब की? 1920 ईस्वी में। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना? 1933 में। एक बार में अगर याद नहीं हो रहा हो तो एक दो बार आप इसको देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड प्रश्न है नहीं, पर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेन कैम्प। मेन कैम्प। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर कब आत्महत्या की? 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945। एशिया का कौन देश साम्राज्यवादी था? जापान। जापान। जापान
का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? चीन के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध। अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को किस स्थान पर किया? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को नागासाकी पर, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61, 61। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्राट को, पेट्रॉक को। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली का, इटली का। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? कहानीकार बोकेसियो को, कहानीकार बोकेसियो को इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मोकियान बेली को, फ्लोरेंस के निवासी थे, फ्लोरेंस के निवासी मोकियावेली को। मोकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, उस बुक का नाम क्या है? द प्रिंस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मेकियावली को, मेकियावली, जिनका पुस्तक था द प्रिंस। पुनर्जागरण की भावना की पूर्व अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृतियों से मिलती है। ये कलाकार कौन कौन से थे? तो लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजलो एंड राफेल। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्र के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बस आप एल द विंसी याद रखो या लियोनार्डो द विंसी। ये जो मोनालिसा का पेंटिंग जो काफ़ी मशहूर है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, लियोनार्डो द विंसी। और द लास्ट सपर भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया। द लास्ट जजमेंट एंड द कॉल द फॉल ऑफ मैन की कृति किसकी है? माइकल एंजलो की, माइकल एंजलो। सिस्तान के गिरजाघर की छत किसके द्वारा चित्र बनाया गया? माइकल एंजलो द्वारा, माइकल एंजलो। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र जो बनाया गया वो राफेल के द्वारा बनाया गया था, राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को, जियाटो। पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेस ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से किस पर प्रहार किया है? पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर। इंग्लैंड के लेखक टॉम्स मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किसका चित्र प्रस्तुत किया है? आदर्श समाज का, आदर्श समाज का। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से। किस धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? जॉन विकलिफ को, जॉन विकलिफ। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस के द्वारा किया गया। और भारत का खोज वास्को डिगामा के द्वारा। किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण किसके नाम से हुआ? स्पेन निवासी मैगलन के नाम से, स्पेन निवासी मैगलन के नाम से प्रशांत महासागर का नाम पैसिफिक हुआ। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एफ मैगेलन, एफ मैगेलन। प्रजातंत्र का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रजातंत्र का स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में। और सबसे पुराना संविधान भी किसका है? अमेरिका का ही है। किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र का जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789, 1789। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है।
मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये कथन किनका था? लुई चौदहवा जो थे, वो जो लिख दिए वही क्या हो गया? कानून हो गया, ठीक ना। वर्सिये के शीशा महल का निर्माण किसने करवाया? वर्सिये का शीश महल जो है, इसका निर्माण किसने करवाया? लुई चौदहवा ने, लुई चौदहवा। लुई सोलहवा कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1774 में। लुई सोलहवा की पत्नी एत्वेनेता कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ठीक ना, जहाँ ये जो ड्यूक गाड़ी चलती है मोटरसाइकिल, वहीं की कंपनी है, याद रखना। लुई सोलहवा को किस अपराध के कारण फांसी की सजा दी गई थी? देशद्रोही, देशद्रोही के लिए। टेले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर था, एक प्रकार का भूमि कर। वेल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया फ्रांसीसी क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति में। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वेल्टेयर की, वेल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की? मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? 5 मई 1789। मापतौल में दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मापतौल में दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? हाइडर को, हाइडर। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किन्हें माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को, फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? डाइट, डाइट। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को डाइट कहा जाता है, हालांकि जापान वाले को भी क्या? डाइट ही कहा जाता है। 1815 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मई 1848 को। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को कहाँ हुआ था? ब्रेडनवर्ग में, ब्रेडनवर्ग। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862 को, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने, विलियम प्रथम ने। किस युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? सराजेवो का युद्ध था, सराजेवो का युद्ध। 23 अगस्त 1866 में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया? पराग संधि, पराग संधि के। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? 15 जुलाई 1870, 15 जुलाई 1870। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? 1 सितंबर 1870 को। किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्सिये के राजमहल में किया? बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने। साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का, वेल्स इंग्लैंड में है। किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को, रॉबर्ट ओवेन। चलो इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर ही देते हैं, ठीक ना, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? सेंट साइमन को, सेंट साइमन को। फेवियन सोलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लंदन में फेवियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1884 में। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1917 में, 1917 में। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय, अभी पढ़े थे। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्वयुद्ध में रूस की पराजय, यही कारण था रूस में क्रांति का। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। किसने चेका नामक संगठन बनाया था? लेनिन ने। रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुआ था? अलेक्जेंडर द्वितीय का, अलेक्जेंडर द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की, स्लाव लोगों की। अन्ना केरेनिना के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। रूसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानोव को, प्लेखानोव को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? 1903 में, 1903। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? दो बोल्शेविक तथा मेंशेविक में, दो बोल्शेविक और मेंशेविक में। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। 16 अप्रैल 1917 को
लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस। कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की? 1921 में। 1921। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। 1924। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? टॉम्स पेन। टॉम्स पेन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई? सूती कपड़ा उद्योग से। सूती कपड़ा उद्योग से। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंद्वी कौन था? जर्मनी। जर्मनी। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई? 1925 में। डॉक्टर सन्यात सिंह की मृत्यु के बाद 1926 में कोमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला? यांग काई सेक ने। यांग काई सेक ने। कोमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? 1927 में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928। 1925 ईस्वी में यूनान की विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माओत्सो तुंग ने। माओत्सो तुंग ने। माओत्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हुनान में। हुनान। च्वांग काईसेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? नानकिंग में। नानकिंग। च्वांग काईसेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की? फार्मोसा में। फार्मोसा। च्वांग काईसेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसके दमन करने के लिए किया था? साम्यवादियों का। साम्यवादियों का दमन करने के लिए। किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई? माओत्से तुंग ने। माओत्सो तुंग। चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओत्से तुंग। माओत्से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान। हुनान। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? चीन में। चीन में। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किन्हें जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। जॉन हे। जापान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921। 1921। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया? मुत्सुहितो। मुत्सुहितो। किस वर्ष जापान के सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? 1872। किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया? 1872। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। 1905। किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? पोर्टसमाउथ। पोर्टसमाउथ। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया? मंचूरिया पर। मंचूरिया पर। जापान ने कब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी? 20 मार्च 1933 को। 20 मार्च 1933 को। किस पीत आतंक से संबंधित किया जाता है? जापान को। जापान को। किसे पीत आतंक से संबोधित किया जाता है? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसे किसका साथ दिया था? धूरी राष्ट्र का, मीन्स जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध में कब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया? 9 मीन्स यो जो परमाणु बम गिर गया उसके बाद 10 सितंबर 1945 को। 10 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 को। 1938। वर्षीय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने किया था? जर्मनी ने। जर्मनी। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1936 में। 1936। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? स्पेन। स्पेन। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा। कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया? जून 1941। जून 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? 10 जून 1940। 10 जून 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? 8 दिसंबर 1941। 8 सितंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विस्टन चर्चिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजावेल्ट। एफ डी रूजावेल्ट।
वर्षीय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि, आरोपित संधि, पूरा आरोप किस पे था? जर्मनी पे थोप दिया गया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? रूस को, रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने का अंतिम देश कौन सा था? जापान। सबसे लास्ट में 1945 के बाद वो क्या हो गया? खत्म ही हो गया युद्ध। अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये था फैटमैन, फैटमैन। और दूसरा क्या था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिरा था फैटमैन, नागासाकी पर लिटिल बॉय। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम का एटम बम गिराया था? लिंटन बॉय लिखा, लिटिल बॉय है, ठीक ना, लिटिल बॉय। तो ये टोटल आपका वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो गया और हिस्ट्री साथ ही इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका मास्टर वीडियो आएगा कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।